सुबह सुबह आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो और अचानक से आपके पास इस तरीके का मैसेज अलर्ट आने लगे, रियली कि ये एमरजेंसी अलर्ट है। ऊपर से सर्वे कंडीशन मतलब गंभीर स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ वहाँ अरे यार कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि ये जो मैसेज आ रहा था बहुत ज़्यादा गंभीर है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की तरफ से। और ये जो संस्था है वो इंडिया की जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर या जो भी आप वायरलेस इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो वो कहीं ना कहीं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की तरफ से करते हो, और इसके ऊपर जो कमान होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। और यहाँ पे दोनों ही नाम लिख के आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग डर जाते हैं कि अरे यार ऐसी सिचुएशन तो नहीं हो गई, मतलब एमरजेंसी अलर्ट तो नहीं हो गया है इंडिया के अंदर, क्योंकि ये मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप मैसेज पढ़ते हैं तो लिख के आता है दिस इज़ अ टेस्ट अलर्ट, मतलब यहाँ पे अभी टेस्टिंग चल रही है इसकी। लेकिन ये एक्चुअली क्यों दिया जा रहा है, एक इसके पीछे की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इन्फॉर्मेशन और है, जहाँ अभी हम बात करें ये मैसेज सिर्फ अभी लिमिटेड लोगों को मिले हैं, आपको मिला हो तो आप बता दीजिएगा कौन सी स्टेट या कौन सी सिटी में आपको ये मैसेज मिला है, क्योंकि अभी ये ऑल इंडिया मैसेज सब लोगों के मोबाइल पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो ये जो मैसेजिंग की स्टार्टिंग हुई है वो 20 जुलाई 2023 से हुई है। सुबह 10 बजे के बाद से सब लोगों को ये मैसेज मिलना अचानक से शुरू होगा। यहाँ पे बात करी जाए तो भारत में दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन अभी करेंटली एक नई टेक्निक कह सकते हैं कि यूज़ कर रहा है, जिसमें कि मालूम चल सके आपातकालीन चेतावनी प्रणाली है ये, जिसका टेस्टिंग ट्रायल चल रहा है, जहाँ पे आपातकालीन स्थिति में मतलब बात की जाए तो एमरजेंसी कंडीशन में लोगों को बताया जा सके, जिससे कि एक सिस्टम है ये, जिससे कि लोगों को इस तरीके का अलर्ट दिया जा सके कि ऐसी सिचुएशन है, और वहाँ पर लोगों के मोबाइल पर डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज भेज दिया जाए। ये मैसेज डायरेक्टली आपको मतलब बाया ऑपरेटर के द्वारा नहीं आता, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वही एकदम जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे कोई सिम का मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जैसे ही आप इंटरनेट एक्सेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके एंड्रॉयड या आईएस डिवाइस पे एकदम डिस्प्ले हो जाएगा लाइक दिस ये मैसेज। यहाँ पे बात करी जाए तो ये मैसेज इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो परीक्षण है वो 29 जुलाई 2023 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब यहाँ पे हम बात करें तो मतलब 12.5 घंटे लेट चलता है ये। तो इंडिया के हिसाब से मतलब सुबह 10 बजे से ये मैसेज 20 जुलाई सुबह 10 बजे से ये मैसेज डिस्प्ले होना लोगों के मोबाइल पे शुरू होगा। भारत सरकार, ये बात करी जाए तो ये जो है भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की एक आपातकालीन चेतावनी प्रणाली है, एक परीक्षण है, ये केवल जाँच और कोई कार्रवाई की ज़रूरत नहीं, मतलब इसे देख के आप अरे यार मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया मैं इसे कॉल करूँ उसे कॉल करूँ तो कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक चेतावनी अलर्ट दिया गया है टेस्ट के तौर पे, जिससे कि मालूम चल सके जिन मोबाइलों पे आया अच्छी बात है, जिन मोबाइलों पे नहीं आया उन पे ये वर्क किया जाएगा कि किन किन मोबाइलों पे क्यों नहीं पहुंचा, किस परेशानी से। ये जो अलर्ट है ये क्षेत्र के सभी मोबाइल फ़ोन पर भेजा जाएगा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की आपातकालीन चेतावनी प्रणाली के साथ पंजीकृत होगा। संदेश भेजने के लिए सिस्टम वायरलेस एमरजेंसी मतलब WEA का यूज़ किया जाएगा, प्रोटोकॉल का उपयोग करेगा, और ये WEA एक मानक प्रोटोकॉल है जिसका कि उपयोग कई देशों के द्वारा मोबाइल फ़ोन पर आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए किया जा रहा है। मतलब इंडिया में ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन और देशों में ये पहले से चल रहा है। परीक्षण चेतावनी दूरसंचार विभाग के लिए आपातकालीन चेतावनी प्रणाली की एक कार्य सक्षमता का परीक्षण करने के लिए एक तरीका है। इस प्रणाली का उपयोग वास्तविक आपात स्थिति में लोगों को खतरे से आगाह कराने के लिए किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो ये अभी मैसेज आ रहा है इस पर किसी तरीके की कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, डिस्प्ले में मैसेज आ रहा है कैंसिल करके आप अपना काम कंटिन्यू करें। लेकिन कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति बन जाती है उसमें किस तरीके से आप सुरक्षित रह सकते हैं वो भी कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तब आप आपातकालीन के बारे में सूचित रहें, मतलब आपको मालूम चल चुका है कि कोई ऐसी एमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। अपडेट रहने के लिए या तो रेडियो या तो टीवी से कनेक्ट रहें, जिससे कि आपको स्थिति जो है वो एक्चुअल मालूम चलती रहे। साथ में आपातकालीन कर्मियों के संदेश का पालन करें, मतलब जो आ रहा है आपको बचाने के लिए या आपकी सुरक्षा करने के लिए उसके संदेश का जरूर पालन करें। दूसरा है, यदि आपको खाली करने के लिए घर या कमरा या दुकान कहा जाता है तो उसे तुरंत ही खाली कर दें, और लगता है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट तो अपने कागज और बात करी जाए दवाएं जरूर साथ में ले लें, क्योंकि पता नहीं दोबारा कब वहाँ पर लौट के आना पड़े। और तीसरा है, यदि आप खाली करने में असमर्थ हैं तो घर के अंदर ही रहें, और सभी
खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें कि बाहर का कोई व्यक्ति अंदर ना देख पाए। और अपडेट रहने के लिए बैटरी से संचालित रेडियो या टीवी चालू रखें और शांत रहें और घबराएं नहीं। लेकिन यहां पे घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाती है कि मैं ही अपने घर के अंदर बंद हो गया हूं, तो उस कंडीशन में पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें। और दूर संचार विभाग आपात स्थिति के दौरान लोगों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और आपातकालीन चेतावनी प्रणाली जो है एक तरीका है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, और साथ में जिससे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जनता के लिए और आसानी से काम कर सके और उनके पास सूचना प्रसारण कर सके, वही एक तरीका है जिससे कि आपको ये मैसेज देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन इसका कोई मतलब अभी स्ट्रॉन्ग कोई तरीका नहीं है, लेकिन कोई ऐसी भविष्य में सिचुएशन बनती है तभी इस पर कोई ध्यान देने की बात है। अभी टेस्टिंग चल रहा है, तब तक टेस्टिंग लिख के आ रहा है तब तक सही है, लेकिन तब आपको अलर्ट लिख के आएगा तो आपको 24 मैसेज रेगुलर रहेंगे। जैसे कि यूक्रेन या हम बात करें युद्ध चल रहा है वहाँ पे, तो ऐसे सिचुएशन में लोगों को डायरेक्टली अलर्ट करा जा सके। तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ही कहीं ना कहीं नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, सब कुछ सही है, कोई परेशानी की बात नहीं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।